मिनट काजी साहब, मैं निकाहनामा पढ़ना चाहूंगी। जरूरत नहीं है बेटा, मौलाना साहब शुरू कीजिए। अंकल, मुझे पहले निकाहनामा पढ़ना। अंकल, ये 10 लाख का हक मेहर का चेक है। अंकल, बेटा जल्दी पढ़ लीजिए, हम देर हो रही है निकाह में। बस 2 मिनट बाबा, इस फॉर्म पे मुझे साइन करना है, वो बगैर पढ़े कैसे कर सकती। ऐसे ही साइन करो जैसे सब लड़कियां करती हैं। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा जो तुम कर रही हो। आंटी प्लीज, अनुषा को पढ़ लेने दीजिए, इसमें कौन सी बुरी बात। हारिस, तुमने इसे 10 लाख का चेक दे दिया और वो भी नकद, उस पे भी इसको इत्बार नहीं है। ये तो बेदबारी वाली बात हुई ना बेटा। आंटी, हक मेहर मैंने तय नहीं किया, वो हारिस ने अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक डिसाइड किया था। मुझे बस एक बात पे ऑब्जेक्शन है, ये शिक नंबर 18 का कॉलम, मैं इस पर बात करना चाहती। गाजी साहब, ये कौन सा कॉलम है? ये शिप तलाक के हवाले से है। तलाक? अनुषा, ये तुम क्या कह रही हो? अनुषा, इस शिप पर क्यों बात करनी है? क्या हो गया हारिस, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात थोड़ी है। अनुषा, खुदा के वास्ते तुम इस खुशी के मौके पे बार बार तलाक का लफ्ज क्यों ले रही हो? ये तो बच्चगुनी वाली बात हुई ना, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अनुषा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, इसे को छोड़ो और प्लीज साइन करो। अनुषा, निगत बहन ठीक कह रही है बेटा, इन बातों पर ध्यान मत दो। अनुषा बेटा, इजाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब हारिस अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें हक मेहर दे रहा है तो फिर ये सब हिला भजा क्यों कर रही हो? अंकल, वो हक मेहर दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरा हक है। और हारिस अपनी हैसियत और अपनी मर्जी के मुताबिक हक मेहर दे रहा। तोबा तोबा, इस लड़की ने तो हद कर दी। जिस तलाक तलाक की गिरदान कर रही है, अगर इसको तलाक ही चाहिए थी तो ये शादी क्यों कर रही है? मैम, जाके उससे बात करो, समझाओ। जी भाई जान, आप खुद को संभाले, मैं देखती हूँ।